ताजातरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं कृतिका। लॉकडाउन के चलते अधिकतर लोग घरों से काम कर रहे हैं। सरकार द्वारा भी घरों से काम करने को कहा जा रहा है, लेकिन ऑनलाइन के नाम पर बड़े पैमाने पर ठगी भी हो रही है। एक ऐसा ही मामला प्राइम न्यूज 24 की टीम के सामने आया है। आइए जानते हैं कैसे अपराधी कर रहे हैं साइबर क्राइम। हमारे संवाददाता ने गूगल से विज्ञापन देख कंपनी की वेबसाइट पर दिए नंबर पर बात की तो उसने अपने आप को कंपनी का डायरेक्टर बताया और अपना नाम अमन कौशिक बताया। उसने 4,500 में वेबसाइट खरीदने की बात कही और अपने गूगल पे पेमेंट ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट की। जब हमारे संवाददाता ने उसके बताए नंबर पर 24 अप्रैल को पैसे ट्रांसफर कर दिए लेकिन वेबसाइट नहीं चली तो अमन कौशिक ने होस्टिंग खरीदने की बात कही। तब उसने turbohost.com वेबसाइट से ही होस्टिंग खरीदने की बात कही। तब हमारे संवाददाता ने turbohost.com वेबसाइट से 5,898.82 रुपये में होस्टिंग खरीदी लेकिन वेबसाइट फिर भी नहीं चली तो अमन कौशिक ने दोबारा वेबसाइट की सिक्योरिटी में दिक्कत की बात बताकर 5,900 रुपये दोबारा 1 मई को turbohost.com वेबसाइट से खाते में जमा कराए लेकिन वेबसाइट फिर भी नहीं चली। बार बार फ़ोन करने पर जब अमन कौशिक ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया तो हमने अपने लखनऊ के ब्यूरो से अमन कौशिक से बात करने को कहा लेकिन उसने अपनी कुछ पर्सनल मजबूरी बताकर 1-2 दिन में वेबसाइट के चालू होने का आश्वासन दिया। लेकिन जब हमने turbohost.com पर बात करनी चाही तो उसकी वेबसाइट पर पता तो बेंगलुरु का था लेकिन नंबर अमन कौशिक का ही डला हुआ था तो हमें शक हुआ तो हमने एक बार फिर अमन कौशिक से संपर्क करने की कोशिश की। तभी अमन कौशिक ने हमारे नंबर ब्लॉक कर दिए। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए अमरीश प्रजापति की रिपोर्ट।